ये सरकार बार बार आपसे कह रही थी कि सबके खाते में 2 लाख रुपए आएंगे, ना 2 लाख रुपए आए, ना महिला सुरक्षा का सवाल रहा, ना बेरोजगारी का सवाल रहा। आज सवाल है तो ये सवाल है कि ताजमहल किसने बनवाया और ताजमहल इस देश के अंदर होना चाहिए नहीं होना चाहिए, इसके सवाल है। पद्मावती आएगी या नहीं आएगी, इसमें सवाल है। आप सवाल क्यों भटक रहे हैं? सवाल ये है कि जब गुजरात के अंदर एक तरफ जिग्नेश मेवाणी विकास की बात कर रहा था तो शर्त की बात है कि दूसरी तरफ हमारे प्रधानमंत्री जी ये बार बार बोल रहे थे मंदिर चाहिए या मस्जिद चाहिए। तो ये बताइए, ये तय कर लीजिए कि विकास की राजनीति यहाँ पे बैठे युवा कर रहे हैं या तथाकथित प्रधानमंत्री जी जो बार बार अपने आप को युवा होने का दावा करते हैं। हमें तय करना होगा कि 2014 में ये आई सरकार ने जिस तरह से दमन किया है, जगह जगह पे जा करके इन्होंने लोगों को दबाने का काम किया है, आज इसी कारण हम तमाम संघर्षशील लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। और मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहूंगी कि 2019 में आपको यहाँ से उखाड़ फेंकने का काम ये युवा करेंगे। ये युवा आपको ये बता देंगे कि जो युवा जब राजनीति में आता है तो इस देश में कितना बड़ा परिवर्तन होता है। यहाँ पे बैठे युवा आपको 2019 में बता रहे हैं। मैं एक और बात कहना चाहूंगी कि जिस दौर में हम लोग ये कह रहे थे कि यूपी के अंदर बहुत तेजी से जो बदलाव आ रहे थे हम देख रहे थे हमने, लेकिन यूपी के अंदर जो एक नई चीज हुई मैं आपको बताना चाहूंगी। यूपी के अंदर और यूपी ही नहीं पूरे देश में आज तक भोगियों को योगी बनते देखा था, लेकिन उत्तर प्रदेश और पूरे देश ने एक योगी को भोगी बनते हुए देखा है। ये हमारे लिए बहुत शर्म की बात है। हमें करनी हो जब इस देश के जो मुखिया हैं जब वो अपना पद रद्द कर चुके हैं तो हम युवाओं की जिम्मेदारी है कि इस देश को बचाने के लिए हम शहादत तक देने को तैयार हैं और एकजुट होकर के यहाँ से आह्वान करने जा रहे हैं कि 2019 और आने वाले समय में हम इस देश को बचाने की लड़ाई लड़ेंगे, हम संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ेंगे और साथ ही चंद्रशेखर को आजाद करने की लड़ाई लड़ेंगे। धन्यवाद। इंकलाब जिंदाबाद।